हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं केसीटी मार्क्स वर्सेस रैंक की, एक्सेप्टेड 2024 की। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं। अगर आपको रैंक वन में आना है तो आपको 175 स्कोर चाहिए, अगर आपको टू रैंक में आना है तो 174, और वहीं थ्री रैंक में आना है तो 173, फोर्थ रैंक में 172, फिफ्थ रैंक में 171, और सिक्स्थ में 170, सेवन्थ में 169, एट्थ में 168, नाइन्थ में 168 से 167, और 10 से 20 तक अगर आपको रेंज रखनी है अपना, तो उसके 166 से लेकर 168 तक स्कोर। वहीं 21 से लेकर अगर 30 तक रैंक की बात करें तो इसमें 164 से 166 तक स्कोर चाहिए, और 31 से लेकर 40 तक रैंक चाहिए तो 161 से लेकर 164 तक स्कोर, 41 से लेके 50 तक तो 158 से लेके 161 तक स्कोर, वही 51 से लेके 60 तक की अगर रैंक की बात करें तो 156 से लेके 160 तक स्कोर चाहिए, वही 61 से लेके 70 तक रैंक की बात करें तो 154 से लेके 156 तक स्कोर चाहिए, वही 71 से लेके 80 रैंक के लिए 152 से लेके 156 तक स्कोर चाहिए, वही 81 से लेके 90 रैंक के लिए 150 से लेके 152 तक स्कोर चाहिए, वही 91 से लेके 100 रैंक के लिए 148 से 152 तक स्कोर चाहिए, वही 101 से लेके 110 रैंक के लिए 146 से 150 तक स्कोर चाहिए, वही 111 से लेके 120 के रैंक के लिए 144 से 150 तक स्कोर चाहिए, वही 121 से लेके 130 के रैंक के लिए 144 से लेके 146 तक स्कोर चाहिए, वही 131 से लेके 140 के रैंक के लिए 142 से लेकर 146 तक स्कोर चाहिए, 141 से लेकर 150 के रैंक के लिए 141 से लेकर 145 तक स्कोर चाहिए, 151 से लेकर के 160 की रैंक के लिए 140 से लेकर 146 तक स्कोर चाहिए, वही 161 से लेकर 170 रैंक के लिए 140 से लेकर 143 तक स्कोर चाहिए, वही 171 से लेकर 180 तक रैंक के लिए 132 से 142 स्कोर चाहिए, वही 181 से लेकर 190 तक रैंक के लिए 137 से 140 तक स्कोर चाहिए, 191 से लेकर 200 रैंक के लिए 136 से 140 रैंक चाहिए, वही 201 से लेकर 210 रैंक के लिए 135 से लेकर 140 स्कोर चाहिए, वही 211 से लेकर 220 रैंक के लिए 134 से 140 तक स्कोर चाहिए, वही 221 से लेकर 230 तक के लिए 133 से 140 तक रैंक चाहिए, 231 से लेकर 240 रैंक के लिए 132 से लेकर 140 तक स्कोर चाहिए, वही 241 से लेकर 245 की रैंक के लिए 131 से लेकर 140 तक आपको स्कोर चाहिए, वही 251 से लेकर 260 की रैंक के लिए 130 से लेकर 140 तक रैंक चाहिए, या 261 से लेकर 270 की रैंक के लिए 129 से लेकर 139 तक स्कोर चाहिए, 271 से लेकर 280 रैंक के लिए 128 से लेकर 139 तक स्कोर चाहिए, वही 281 से लेकर 290 रैंक के लिए 127 से लेकर 139 तक स्कोर चाहिए, वही 291 से लेकर 300 रैंक के लिए 126 से 139 स्कोर चाहिए, वहीं अगर बात करें 301 से लेकर 310 के रैंक के लिए 125 से लेकर 138 तक स्कोर चाहिए, वहीं 311 से लेकर 320 रैंक के लिए 124 से 137 तक स्कोर चाहिए, वहीं 321 से लेकर 330 की रैंक के लिए 123 से लेकर 136 तक स्कोर चाहिए, वहीं 331 से लेकर 340 के रैंक के लिए 125 से लेकर 135 तक स्कोर चाहिए, वही 341 से लेकर 355 रैंक के लिए 121 से 134 स्कोर चाहिए, वही 351 से लेकर 360 रैंक के लिए 121 से लेकर 133 स्कोर चाहिए, वही 361 से लेकर 370 मार्क्स के लिए 190 इनसे लेकर 133 तक चाहिए, 371 से लेकर 380 के रैंक के लिए 118 से लेकर 132 तक स्कोर चाहिए, 1381 से लेकर 390 के रैंक के लिए 117 से लेकर 131 तक स्कोर चाहिए, 391 से लेकर 400 रैंक के लिए 116 से लेकर 130 तक स्कोर चाहिए, वही 401 से लेकर 410 रैंक के लिए 115 से 129 स्कोर चाहिए, वही 410 से लेकर 1000 रैंक के लिए 100 से 130 स्कोर, वही 1001 से लेकर 1500 रैंक के लिए 100 से 120 स्कोर,
और 1500 से लेकर 2000 तक, 1010 से लेके 115 तक के स्कोर चाहिए। वही 2001 से लेके 2500 रैंक के लिए 100 से लेके 110 तक स्कोर चाहिए। वही 2501 से लेके 3000 एंड तक के लिए आपको 100 से लेके 105 तक मार्क्स चाहिए। वही 3001 से लेके 3500 रैंक के लिए 95 से लेके 100 तक स्कोर चाहिए। वही 3500 से लेकर के 4000 तक आपको 90 से लेके 100 तक स्कोर चाहिए। वही 4000 से लेकर के 4500 तक आपको 85 से लेके 90 तक स्कोर चाहिए। अगर वही बात करें 4500 से लेकर के 5000 तक के रैंक के लिए 80 से 85 तक स्कोर चाहिए। वही 5000 से लेके 5500 रैंक के लिए 75 से लेके 80 तक स्कोर चाहिए। वही 5500 से 6000 तक की रैंक के लिए 70 से 75 स्कोर चाहिए। 6000 से लेकर के 10000 रैंक के लिए 65 से 71 स्कोर चाहिए। वही 10000 से लेकर के 20000 तक 60 से 65 स्कोर चाहिए। वही 20000 से लेकर के 40000 रैंक के लिए 50 से 60 ही मार्क्स चाहिए। वही 40000 से 50000 तक की 50 से 55 स्कोर चाहिए। वही 50000 से लेकर 60000 की रैंक के लिए 40 से 50 तक स्कोर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।